तो फिर आज मैं थोड़ा सा निकला हूँ वॉक पे वापस से। अच्छा मौसम हुआ हुआ है, धूप निकली हुई है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है। टेम्परेचर इस वक्त कोई 20 के करीब होगा, 20 सेंटीग्रेड। खूबसूरत मौसम है आज का बहुत। आसमान भी साफ है, शुक्र है आज बारिश नहीं है। कल भी सारा दिन बारिश होती रही है। थोड़ी सी बेरीज भी दिखाऊंगा आपको तोड़ के, बड़ी फ्रेश बेरीज लगी हुई हैं। ये जो इस वक्त मौसम है यूके का, इसमें स्ट्रॉबेरीज, बेरीज, चेरीज बहुत अच्छी लगी होती हैं। और हर घर में तकरीबन इन तीन में से कोई एक ना एक पौधा बेल ज़रूर होता है इन चीज़ों का। और तो और अक्सर औकात जैसे ये बाउंड्रीज हैं, इन बाउंड्रीज पे लगी हुई होती हैं काउंसिल की तरफ से बेरीज और चेरीज, तो वो भी मैं अभी दिखाता हूँ आपको। रोड क्रॉस करना है हमने, और रोड क्रॉस करने के बाद जो है लेफ्ट पे बेल वगैरह लगी हुई हैं, बेरीज की, तो वहाँ से कुछ बेरीज वगैरह तोड़ेंगे फ्रेश। यहाँ पे नज़दीक ही एटीएम मशीन है, एटीएम पे जाएंगे। और फिर वापस होटल। बस अभी यही मौसम है सरसब्ज का, हरियाली का। अगले और 2 माह के अंदर ये बिल्कुल हरियाली ख़त्म हो जाएगी। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी हरियाली ख़त्म होती जाएगी, और ये बिल्कुल जितने भी दरख्त हैं सिर्फ टहनियाँ तने इनके दिखेंगे, पत्ता इन पे एक भी नहीं होगा। मुश्किल से शायद 2 माह और ये हरियाली दिखे, ये खूबसूरती दिखे, उसके बाद जो है ये नहीं दिखेगी। पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ तोड़ के दिखाऊंगा बेरीज, ये लगी हुई है, कुछ कच्ची हैं इसमें से और कुछ पक्की हैं, सिर्फ हाथ लगाते ही ये टूट जाती है। कांटे बहुत हैं इसके ऊपर, इस तरह से सोर्स ऑफ आयरन है ये। और इससे ज़्यादा कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जो सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा खून बढ़ाता हो। मैं यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी पॉज करूँगा और फिर उसके बाद कंटिन्यू करूँगा, थोड़ी सी बेरीज तोड़ के फिर दिखाता हूँ। और ये तकरीबन मैंने 1/2 kg, 1/2 किलो के करीब तोड़ी है इसमें से, बहुत टेस्टी है। ये देखो मैं आपको दिखाऊँगा एक तोड़ कर, कितनी रसीली है ये, कितना इनमें रस है।
पूरी रस की भरी हुई है ये। बहुत ज़्यादा लगी होती हैं ये, शायद हम मार्केट से भी लेके आए हैं जाके शॉपिंग करके, तो इतनी ज़्यादा फ्रेश वहाँ से भी नहीं मिलती। मिलती हैं वहाँ से, फ्रेश होती हैं बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रेश मैंने नहीं देखी। रोज़ाना सिर्फ अगर ये चार दाने खा लिए जाएं तो एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद जो ब्लड टेस्ट के अंदर रिजल्ट्स आते हैं उसके, काफ़ी नुमाया उस तब्दीली होती है। ज़रा हम इस तरफ चलते हैं, एटीएम पे जाना। ये है टीम वैली मेन गेट, थोड़ा सा टीम वैली मेन गेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ हल्का सा। अक्सर औकात हम आते हैं और आकर बैठ जाते हैं, धूप वगैरह लेते हैं, सनलाइट लेते हैं इस जगह पर। टीम वैली मेन गेट में, गेट की इस बिल्डिंग में क्या क्या कुछ है वो सारा इस साइन बोर्ड पे लगा हुआ है। इस साइन बोर्ड के ऊपर सारा कुछ है, ये सारा कुछ है इस टीम वैली मेन गेट के ऊपर। अब हम चलते हैं ज़रा एटीएम पे। ये जितनी भी हरियाली दिख रही है, 2 महीने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टहनियाँ नज़र आएंगी, पत्ता एक भी नज़र नहीं आएगा। जब मैं आया था यहाँ पे यूके में तो उस वक्त सर्दी ठंड अरूज पे थी और यहाँ पे एक भी पत्ता नज़र नहीं आता था, सब कुछ सूखा हुआ था। और उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद जो है हरियाली होना शुरू हो गई यहाँ पे। यहाँ पे एक कॉर्नर एटीएम में वहां पे चलते हैं।
और ये 50 pounds हमारे आ गए हैं बाहर। ट्वेंटी मजीद चाहिए। चलो जी हो गया काम, अब चलें। बस मैं निकला था बाहर तो मैंने सोचा थोड़ी सी एक वीडियो बनाऊं, और ये वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। कुछ दिन से मैंने कोई लॉन्ग वीडियो अपलोड नहीं की थी, शॉर्ट वीडियोस भी 2-3 दिन से ही मैंने अपलोड की हैं शुरू, दोबारा लॉन्ग वीडियो कोई नहीं की थी। काफ़ी वीडियोस बना के रखी हैं लेकिन उन्हें बस अपलोड करना है, सुस्ती हो जाती है अक्सर औकात। गर्मियों में तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है, गेट सेट का हरियाली होगी, बस ये कि बारिश आपको तंग करेगी हफ्ते में 3 दिन तकरीबन, लेकिन आप जब रहने लग जाते हो तो फिर आप आदी हो जाते हो। सिग्नल को देख के गुजरना होता है लेकिन अक्सर औकात आदत नहीं है, बचपन से ही तो ऐसे गुजर जाते हैं देख के, इधर उधर गाड़ी कोई नहीं है तो गुजर जाते हैं, जबकि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये टीम वाली मेन गेट का राउंड अबाउट है, यहाँ से दोबारा रोड क्रॉस करेंगे हम और फिर सीधा होटल। मुमकिन है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, 18-20 मिनट तक चली जाए, पर सह लेना, बर्दाश्त कर लेना, वीडियो देख लेना।
कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आवाज़ मेरी जो है ठीक आ रही है या फिर मुझे माइक की ज़रूरत होगी। अगर माइक की ज़रूरत है तो फिर मैं माइक एक लेके तो फिर उससे यूज़ किया करूँ, और अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो फिर ठीक है। ये फुटपाथ भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इसकी जो ईंटों की दर्जों के अंदर हल्की हल्की सी काई और हरियाली है बहुत अच्छी लगती है। बस अब 2 मिनट में मैं पहुंचने वाला हूं होटल, और होटल पहुंचने के बाद जो है मैं कोशिश करता हूं कि आपको दिखा सकूं जो बेरीज तोड़ के लाया हूं कितने फ्रेश हैं वो, एक बार फिर से उनको अच्छी तरह धो के तो दिखाता हूं। और ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं होटल, ये बॉबे टीम वैली का। वीकेंड्स पे काफी रश होता है यहाँ पे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे को कम होता है, फ्राइडे सैटरडे को अच्छा होता है रश। जो इन्होंने पूरा हफ्ता कमाया होता है वो यहाँ पे आके लगा देते हैं। बस में पहुंच चुका हूँ होटल, धूप सेक रहे हैं ये। चल नहीं रहा, अच्छा ये लॉक है अंदर से इसलिए। और ये मैंने अभी इनको थोड़ा सा धोया है, धोने के बाद ये फॉर्म है इनकी।